हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं दिल्ली टू हरिद्वार टूर। और वीडियो पूरी देखना, यकीन मानो आपको बहुत मज़ा आने वाला है पूरा वीडियो देखकर। करीब 100 किलोमीटर निकलने के बाद हमारा पहला स्टॉप होता है यहाँ पर, और यहाँ पर रुककर हम सारे दोस्त मिलकर खाना वगैरह खाते हैं। हम दो तो जल्दी खा लिए थे, पर कुछ भुक्कड़ अभी भी खाना खा रहे हैं। चल के आपको दिखाते हैं। तब तक आपको बता देते हैं कि अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं हरिद्वार जाने की, तो आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे जितनी एक्टिविटी आप कर सकते हैं बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसके बाद आप जो स्नान करने वाले हैं गंगा जी का, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप देखिए कि कैसे मेरे दोस्त अभी भी भुक्कड़ों की तरह खाना खाने में लगे हुए हैं। ये देखो कुछ लोग। तो वीडियो पूरी देखना गाइस, मिलते हैं आपको आगे, आगे का व्यू और दिखाते हैं आपको। तब तक के लिए वीडियो देखते रहे। करीब 80 किलोमीटर निकलने के बाद टाइम हो जाता है 5, और 5 बजे के हिसाब से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। बारिश का मौसम था, और यकीन मानो हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे इस बारिश को। ऐसा लग रहा था महादेव हमारे लिए बारिश कर रहा है। तो हम लोग पहुँच गए उत्तराखंड। 10 किलोमीटर रह गया और यहाँ से हरिद्वार भी बचा है 10 किलोमीटर। सिंधी सोच रहे हैं सिंधी यहाँ से भरवा लें, उसके बाद में फिर आगे तो कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए अब यहीं डलवा ले रहे हैं। गाड़ी फुल हो जाएगी ना, कभी भी आगे भी कहीं जा सकते हैं ना। हाँ, तो गाड़ी का सिंधी भी यहाँ से फुल हो गया। हमारे साथ है चोमूलाल। हमेशा सुस्त रहता है, बस दारू पिलाओ सुस्त रहता है हमेशा दिन भर। इसको पता है दारू पिलाओ ना फॉर्म में आता है बंदा। बस दारू पिलाओ बस फॉर्म में आता रहता है। देखो पता नहीं किसको देख रहा है, सिंधी पड़ रही है। और अभी हम जा रहे हैं हाथ में धुलने, क्योंकि बहुत ज्यादा फेस डर्टी डर्टी हो रहा है, गंदा गंदा हो रहा है। हाथ धुलेंगे, इसके बाद पहुंचेंगे हरिद्वार। मिलते हैं आपसे सीधा हरिद्वार में, तब तक के लिए बाय। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार। और हरिद्वार का अगर आपको नाइट व्यू देखना है ना, तो आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा। हम आपको दिखाते हैं यहाँ से आगे का नाइट व्यू कैसा दिखने वाला है हमारा हरिद्वार, देखते रहिएगा। यहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं हरिद्वार के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा पहला गेट, पहला दरवाज़ा जो बोलते हैं द्वार, यहाँ का एंट्री लेने के लिए अंदर यहां से एंट्री करने वाले हैं। और यहाँ से आपको ऊपर से व्यू दिखाएंगे किस तरह से व्यू आ रहा है। यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता है, यहाँ से प्रसाद लेके बाहर के जा सकते हो। ये गंगा देख लो, गंगा नदी बहुत तेज बहाव है इसका। आज शाम नहीं, पानी बारिश हो रही है ना, बारिश हो रही है। यहाँ से देख लो आप किस प्रकार से भी। तो गाइस ये है गंगा नदी, हमारी पवित्र गंगा नदी। यहाँ पे लोग आकर स्नान वगैरह करते हैं। बाकी भी जैसे आगे आगे पहुँचते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे आगे की वीडियो। जो भी यहाँ का मेन चीज होगा ना, वो हम आपको जरूर इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पे महादेव की टी शर्ट मिल रही है, महाकाल वो भी हर कलर में अवेलेबल। ये दो सारे कलर। चली गई, अब ले चलते हैं आपको स्नानगृह पे, जिधर स्नान होता है। पानी का व्यू देखो, जूम करके दिखाओ दर्शकों को, कितनी तेज धारा है यार। जूम करके दिखाओ, ऊपर से थोड़ा करो, ऊपर करो, जैन कितनी तेज पानी चल रहा है। देखो आप कैसे कुंड बन रहे हैं बीच में, देखो कैसे कुंड बन रहे हैं। भाई भाई भाई, ऐसे में कोई आ जाए ना बह जाएगा, मिलेगा नहीं दोबारा। बहुत भयंकर कुंड। तो गाइस आपने देखी है गंगा जी, और अब ये देखो ये जो ब्रिज दिख रहा है ना आपको, ब्रिज ये दिख रहा है ना, ब्रिज पूरा देखो पहले एक बार। किस टेक्निक से बनाया गया ये ब्रिज आपको दिख रहा है ना, ये आपको अगर ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ समझ आएगी कि ये धनुष बना हुआ है। इसमें तीर भी बने हुए हैं, देखो दो ये जो निकले ना, ये तीर हैं, दो तीर भी बने हुए हैं नीचे से देख रहे हैं। जैसे ये देखो, ये दिखाई दे रहा है ना, नीचे से लेके ये ऊपर तक ये तीर बने हुए हैं। ये धनुष की आकार में बना हुआ ब्रिज है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही देखने में प्यारा लग रहा है। हो सकता है वीडियो में इतना अच्छा ना लगे, बट सामने से बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। तो गाइस अभी चल रहे हैं आगे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, घूमते घूमते आपको दिखाएंगे बाकी सारी चीज़ें। यहाँ पे हम आ गए स्नानगृह में, यहाँ पे लोग गंगा जी का स्नान करते हैं, यहीं से नहा के आगे के लिए पूजा के लिए जाते हैं। दिखाते हैं आप, ये लोग यहाँ पे नहाते हैं, इसके बाद भी यहाँ से आगे पूजा के लिए जाते हैं। जैसे देखो जंजीरों
जंजीरों को पकड़ पकड़ के झूला झूल रहे, नहा नहीं रहे, खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, बहुत ही सुरक्षा दी गई है यहाँ पे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ रेलिंग भी दी हुई है, इसके बाद में जंजीरें भी दी हुई हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो सके। और बहुत ही सुरक्षा के साथ में यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं वो स्नान करते हैं, इसके बाद में यहाँ से मंदिर की ओर जाते हैं, प्रस्थान करते हैं और वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह करते हैं अपनी। बहुत ही प्यारा व्यू है हरिद्वार का, मैं पहली बार आया हूँ बट इतना अच्छा लग रहा है ना, इतनी शांति है, बहुत ज़्यादा भीड़ है पर फिर भी इतनी शांति लग रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या अभी हम देखने वाले हैं और जो जो मेन चीज़ होगी हम आपको आपको ज़रूर दिखाएंगे। हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं जैसे कि ये चीज़ देख रहे हैं ना आप, ये जगह जगह पे बने हुए हैं, ये घर टाइप के हल्के हल्के बूथ टाइप के बने हुए हैं ना, तो यहाँ पे जो भी पर्यटक स्नान करता है, जो नहाता है, मिनी बूथ है, हाँ, जो यहाँ पे नहाता है वो यहाँ पे आके कपड़े बदल सकता है, वो यहाँ पे आके कपड़े अपने चेंज कर सकता है और ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसकी कोई पैसे वैसे नहीं लिए जाते हैं। अब देखते हैं इसके ब्रिज के ऊपर जाते हैं, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू मिल सकता है पूरे हरिद्वार का, देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है। यहाँ पर भी गंगा जी के पास भी लक्ष्मण जी का प्रचार होते हुए फ्रंट लाइन भी यहाँ मौजूद है, लक्ष्मण जी का एड चल रहा है यहाँ पे भी, मतलब कोई तो जगह छोड़ दो भैया है, रूपा फ्रंट लाइन मास्टर। यहाँ से देखो आप, यहाँ से देखो क्या व्यू आ रहा है पूरा। ये देख रहे हो आप सरस्वती माता की, ये आप देख रहे हो ये जो प्रतिमा है सरस्वती माता की है, सरस्वती माता है ना, वो अजीत खो गया अपना, अजीत खो गया अपना सुस्त मैन, अपना सुस्त मैन, सुस्त मैन ये मिल गया सुस्त मैन कहाँ खो जा रहा है भाई, इसको पकड़ के रखना पड़ेगा। ये देखो सब लोग नहा रहे हैं, पानी में यार मोबाइल दे, बहुत ठंडा पानी आ रहा है बता रहे हैं, बहुत ठंडा। हमारे गोलू साहब आए, गोलू नहाने के लिए तैयार बिल्कुल, अगर हम भी नहाने के लिए तैयार जा रहे हैं, मैं अभी नहाने जा रहा, मोबाइल लेके भाई वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हो ये जोश असली भाई वीडियो बना रहे हैं मोबाइल लेके, और अभी तो हमें नाम सुन के ही बहुत ठंड लग रही है कि ठंडा पानी है, आगे देखते क्या होगा। अजीत भाई वीडियो बनाना, हम लोग अंदर ले चलेंगे, अंदर ले चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पानी जरा सभी चला गया ना, हम लोग साथ में। हेलो हेलो हाय, अरे अरे पैंट पैंट जाओ, नहाने जाओगे ना। और हमारे गोलू साहब तैयार हो चुके हैं अपनी इज्जत छुपाते हुए, अपनी इज्जत छुपा रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग करते हैं स्नान, स्नान के साथ साथ में हम लोग बहुत सारी मस्ती भी करते हैं एक साथ में और बहुत सारा इन्जॉयमेंट भी करते हैं, काफ़ी देर तक स्नान करते हैं, मतलब ये मान के चलो करीब आधे घंटे से ऊपर हम लोग यहाँ पे स्नान किए और बहुत सारी मस्ती की। इतना ठंडा पानी था कि पहले तो घुसने का मन नहीं हो रहा था, फिर निकलने का मन नहीं हो रहा था, आगे देखते रहिए। हम लोग स्नान कर रहे थे तभी एंट्री होती हमारे ये भाई साहब हमारे गोप्रो लेके पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने आए हैं, और इनके साथ में जो मैडम जी हैं वो भी मतलब नहाने के लिए हो चुके हैं तैयार। तो गाइस आप देख रहे हैं कि इन लोगों को मतलब नहीं है, ये लोग उछल कूद करने आए हैं, आप देख सकते हैं कैसे उछल कूद कर रहे हैं वीडियो के अंदर, जैसे कि स्नान ना कर रहे हो ऐसे, मतलब खेल कूद करने आए हो यहाँ पे। स्नान करते करते हमें याद आता है चलो
अपने बाबा को याद कर लेते हैं भोलेनाथ जी को, और इस बात से मेरा दोस्त भी सहमत हो जाता है और हम दोनों हाथ जोड़कर तैयार हो जाते हैं भोले बाबा को याद करने के लिए। अरे हर शंभू तो शंभू। तो गाइस हम लोग स्नान कर रहे हैं गंगा जी में। सच में कभी भी आप लोग यहाँ पे आइएगा, एक बार गंगा जी के स्नान जरूर कर लिए आके, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। यहाँ पे आके बता नहीं सकते आप लोगों को, इतना ठंडा पानी है, सच बता रहे इतना ठंडा पानी, ये देखो इतना मजा आ रहा है ना भाई। पहले जैसे आए हैं ना उसके बाद में इतना ठंडा पानी था बिल्कुल बर्फ जैसा, लेकिन अभी निकलने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा निकलने का, ऐसा लग रहा है बस नहाते जाए नहाते जाए नहाते जाए बस, इतना अच्छा लग रहा है। अरे बहुत नीचे पत्थर, बहुत पत्थर है, बहुत लोग अभी तक स्नान कर रहे हैं। ये रात का करीब रात के 9:30 बज रहे हैं अभी, और रात के 9:30 बजे तक लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं। बहुत से पर्यटक आते हैं जो रात में स्नान करते हैं, बहुत ही सुकून मिलता है। और इसके बाद क्या जो आगे आपको दिखाएंगे पूजा भी, वो हम आपको सुबह दिखाएंगे क्योंकि रात में पूजा नहीं करेंगे। अब सुबह स्नान करके सुबह की पूजा हम आपको आगे दिखाएंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय। तो गाइस अब हम आपको दिखाने वाले हैं हरिद्वार की मार्केट। हरिद्वार की मार्केट देख के आपका दिल खुश हो जाएगा क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे मिलती हैं कि आप जरूर एक बार चाहोगे लेना। इस गली में चलेंगे अभी थोड़ी देर में, चलो पहले फिर इसी गली में चलते हैं, बाकी सामने वाली गली दिखाते हैं बाद में आपको। लगता है आगे टिक्की ज्यादा फेमस है, मोहन जी पूरी वाले, मथुरा वाले, ये क्या नाम प्राचीन मथुरा वाले, यहाँ ये क्या खाजा वाजा बनता है क्या, यहाँ पे स्पेशल कुल्फी फालूदा वगैरह मिलता है, कुल्फी फालूदा वगैरह मिलता है यहाँ पे। और बहुत मार्केट है यहाँ पे, अच्छी मार्केट है, लेडीज मार्केट भी है, और ज़्यादातर महाकाल का महादेव का ही सामान मिलता है ज़्यादातर। बाकी आप यहाँ पे स्लीपर्स वगैरह भी ले सकते हो, बच्चों के हेड वगैरह भी ले सकते हो, खाने के लिए अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, देख सकते हैं छोटे से अच्छे से रेस्टोरेंट भी हैं और बड़े भी रेस्टोरेंट भी हैं। पिज्जा टक भी है यहाँ पे, पिज्जा हट सुना है वैसे, पिज्जा टक नई चीज़ है, पिज्जा टक देख सकते हैं। और ये याद है शकरकंदी हमारे गाँव बोलते हैं इसको, यहाँ पर शकरकंदी चटनी वटनी लगा के देते हैं। और यहाँ से लेडीज मार्केट भी है, ये यहाँ पे माला वगैरह प्रसाद वगैरह ले सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पूरा टोटल मंदिर का सामान मिलेगा, छोटे छोटे त्रिशूल भी मिल जाते हैं, छोटी सी कान्हा जी की मूर्ति भी मिल जाएगी, बहुत सारे लॉकेट मिल जाएंगे मार्केट पे, खादी वस्त्र यहाँ पे, खादी वस्त्र है कुछ लेना है कौन सी वो राधे वाली, ये कितने की थी भैया, 80 रुपये ले लो, महाकाल के लो ना फिर एक चीज़ समझ नहीं आई, जो एक साल के बच्चे का भी टी शर्ट का रेट 80 रुपये और हम जैसे लोगों का भी रेट 100 रुपये, मतलब समझ नहीं आ रहा है इसका क्या सीन है। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी गोलक भी मिल रही है, आप पैसे सेव कर सकते हो, ऑनलाइन सेविंग के चक्कर मत पड़ो, जा रहे वगैरह यहाँ से गोला खरीदो और उसको पैसे को सेव करो सीधे। छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पे प्योर रबड़ी मिलती है, मिठाइयाँ मिलती हैं, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर मिलते हैं, बहुत प्यारी प्यारी होते हैं, कपूर फैंसी प्रियम, काफ़ी घर का सामान भी है, मूर्तियाँ वगैरह, काफ़ी लोग मार्केट करते हुए मिलेंगे। अभी काफ़ी समय हो गया है, नाइट हो गई है, रात के 9:30 बज रहे हैं, इसलिए अभी कम लोग दिख रहे हैं, बाकी दिन में काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। सुबह आपको दिखाएंगे एक बार फिर से मार्केट का नज़ारा, आप नाइट का व्यू लो फिर सुबह का व्यू। और यहाँ पे बुक स्टॉल भी है, बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट कर रखा है बुक स्टॉल, यहाँ पे चंदन की लकड़ियाँ वगैरह है, चंदन की लकड़ी वगैरह बोल के देखना है, बहुत ये वही बेलन जिसे पति अपने पति ये वही बेलन है जिससे हर औरत अपने पति को पीटती है, कभी इस पर फोकस करें ध्यान दे ये मशहूर है। और ये यहाँ पे मिठाइयाँ बहुत सारी, देख के मन चल रहा है लेकिन खाने को नहीं मिलेंगे, पैसे मांगेंगे अंकल जी खाने के लिए, पैसे हैं नहीं हमारे पास भाई साहब, हमारे रेट लगा रहे हैं धीरे से, बहुत सारे संग से। हाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है, इसमें हम दिख नहीं रहे, दिख नहीं रहे, दिख नहीं रहे, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ही प्यारा व्यू। ये देखो संघ की संघ, यहाँ पे टोटल संघ और कौड़ी के बने हुए शीशे आईने वगैरह मिलते हैं,
क्या देख रहा ये झुंझुना ले रहा है ये झुंझुने क्या करेगा बचपन आ गया क्या तेरा ये बढ़िया खिलौना है गोलू के बच्चों के लिए काम आएगा ये ले लो स्वीट होम कितना बढ़िया ये भी चीज़ अच्छी लग रही है ना तोप जैसा तोप जैसा शेप है इसका तोप जैसा एकदम अच्छा लग रहा है छोटी छोटी ढोलक भी मिलती है यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो रहा है चल आके दिखाओ साइकिल ये देखो यूनिक चीज नीचे जमीन पे आते ही सीधा हायर ये देखो इसकी ये पैडल लगे हुए छोटी सी चैन दिल्ली देखो सीट देखो इतनी प्यारी लग रही है इसका हैंडल बहुत ही प्यारी साइकिल लग रही है गोलू हमारा इसी पे बैठ के अपनी दुल्हनिया को लेने जाएगा बहुत ही प्यारी साइकिल है ये देख रहे हैं अभी झुंझुना ये हमारे यहाँ 10 रुपये का मिल जाता है यहाँ पे 50 रुपये कीमत है इसकी इस हिसाब से तो देखा जाए बहुत महंगी मार्केट है 50 रुपये इसकी कीमत है तो कोई नहीं यादगार के लिए ले लिया है और यहाँ पे जैकेट वगैरह बैग वगैरह ले सकते हो आप काफ़ी बड़ी मार्केट है ऐसा नहीं है कि मार्केट आप बाहर से देखो तो छोटी लगती है ऐसा कुछ नहीं है मार्केट अंदर आओगे तो अंदर से गलियों से गलियों में जाते जाते आप घूमते घूमते थक जाओगे मार्केट मतलब काफ़ी बड़ी मार्केट है ऐसा नहीं है तो बहुत कायदे सुना रहे वीडियो ये डमरू रखे हुए यहाँ पे ले सकते हो आप भोले बाबा बन सकते हो डमरू बजा के काफ़ी अच्छी भीड़ है रात के 10 बजने वाले हैं डमरू के हिसाब से देखा जाए तो भीड़ अच्छी खासी है यहाँ पे ढोलक वगैरह डमरू वगैरह और कंपनी का मालिक है भाई दुकानदार में हो गई लड़ाई मारो भाई एक मारो अरे अरे भाई बहन तो अरे भाई बिल्कुल फोटो लगाएंगे हाँ बैठ जाओ भाई ये भाई यहाँ पे हो गया भाई इसको तो चला भाई कैसे चल रही है यार ऐसी बात कैसे करती है अरे मैं से चलाऊंगा उससे नहीं चलाऊंगा यार चाले काबू वाले से चला मैं से चलाऊंगा बेटा सेल खत्म हो गया ना तेरी सेलनी से काट दूंगा अरे भाई ये यूनिक चीज उधर वो देखो थारा भाई जोगिंदर जोगिंदर का भाई दूसरा भाई मिल गया है ना भाई ना बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे क्या हो क्या बोल रहे हो थारा भाई जोगिंदर ना हिंदुस्तानी भाऊ अच्छा हिंदुस्तानी भाऊ मिल गया हमें दूसरा फर्स्ट कॉपी हिंदुस्तानी भाऊ की अच्छा थारा भाई जोगिंदर की भी फर्स्ट कॉपी यहीं पे भी है थारा भाई जोगिंदर भाई मैं ये चंदा बनना नहीं चाहते हैं भाई ये सूरज बन के ही चमकना चाहता है और भाई अपना चमकेगा भगवान बनना चाहता भाई श्याम बन के उद्धार करने आएंगे भाई यार ये तुम्हारा यार सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा है हमको कितने का भाई ये हेलो गाइस अगर आप लोग यहाँ तक आ गए मतलब आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो मतलब आपको बहुत मजा आएगा और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसी चैनल पे नेक्स्ट पार्ट आने वाला है और बहुत जल्द आएगा तो तब तक के लिए बाय धन्यवाद और लाइक करना ना भूलें